राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी, आई एम शिवांगी एंड विद मी राइट नाउ आई हैव अ सिंगर हु आई गेस नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वेल आई एम श्योर आपने राम आएंगे भजन तो सुना ही होगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वाति मिश्रा की, जिनका ये भजन हर घर में सुनने को मिलता है। तो हेलो स्वाति, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। तो स्वाति, अगर इस पर्टिकुलर भजन की बात करें, आप भी ये मानती होंगी कि इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई जब पीएम मोदी ने इसको शेयर किया, तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि पीएम मोदी ट्वीटेड योर वीडियो? एक्चुअली जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड सी हो जाती है ना, तो उसके बाद पता ही नहीं चलता है रिएक्शन क्या दे, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ मांगी हो कि भगवान मुझे ये पॉपुलैरिटी दे दो, मुझे व्यूज़ दे दो, ये लाइक्स दे दो, वो अलग चीज़ होती है। बट एक्चुअली मैंने मांगा ही नहीं था, मुझे जितना मिल रहा था मैं उसमें बहुत खुश थी। लेकिन ये जब हुआ तो यकीन ही नहीं, कुछ टाइम तक यकीन नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उठूँगी और मुझे लगेगा नहीं, सपना था लेकिन ये रियलिटी है और बहुत अच्छी रियलिटी है। सो जब आपने गाना चूज़ किया, सो वाज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से आपने यही भजन चूज़ किया? इस भजन में ना जो सिंप्लिसिटी थी इसके लिरिक्स में और इसके धुन में, जो सिंप्लिसिटी थी उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। कि इस भजन में आप देखोगे कोई ऐसे वर्ड्स नहीं हैं जो किसी आम को समझ में ना आए, और धुन इतनी प्यारी है, इसके बोल इतने प्यारे हैं, तो यही इसी चीज़ ने मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया था। और मैंने सोचा था कि जैसे भजन है तो जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं या फिर हमसे छोटे लोग हैं, जेंजी जिनको कहते हैं, वो मतलब वो थोड़े से कटते जाते हैं ना अध्यात्म से, भगवान से और भजन से। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं ना जिससे इसको यूथ भी सुनेगी, मैंने बस ये सोच के बनाया। तो आपको यूथ को टारगेट करना था? यस, उनको सुनाना था। तो अगर आपके म्यूज़िक करियर की बात करें ओवरऑल, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आप कहें कि म्यूज़िक की शुरुआत मेरी बचपन से ही हो गई थी। मुझे बचपन से ही डिसाइडेड था कि मुझे सिंगर ही बनना है। अब कब बनना है ये पता नहीं था, और किस लेवल का बनना है ये भी पता नहीं था, और आज भी पता नहीं है। तो बचपन से ही डिसाइडेड था कि मुझे सिंगिंग ही करनी है। बाद में जब मैं क्लास 7th या 8th में थी तो मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। पापा को नहीं बताया था तब मैंने, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जब पापा को पता चला तो उन्होंने बोला कि वो गाना जब तक मेरा सुनेंगे नहीं वो विश्वास नहीं करेंगे। तो एनुअल डे पे वो आए, उन्होंने गाना सुना, उसके बाद तो उन्होंने जो सपोर्ट किया वो माइंड ब्लोइंग है। तो जैसे बिहार में हम अक्सर देखते हैं, आप बिहार से हैं, छपरा से, तो बिहार में हम अक्सर देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा IAS IPS बने। इनफैक्ट बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आए कि IAS IPS ट्राई करना चाहिए, और आपके पेरेंट्स का उनका क्या मानना था? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं आया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक से बचपन से इतना प्यार करती थी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हम अच्छे खासे पढ़ रहे थे और जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट था उसके लिए कभी फोर्स नहीं किया गया मेरे फैमिली की तरफ से कि यही करो वही करो। मेरे पापा ने एक्चुअली बचपन से हमें छूट दे रखी है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको वही करना चाहिए। ये उनकी नसीहत थी कि कोई प्रेशर नहीं है, जो इंटरेस्ट का चीज़ हो वही करो, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो मैं चाह के भी तुमसे नहीं करवा सकता हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने समझी और सपोर्ट किया। तो बिहार से आप मुंबई आए अपना करियर बनाने के लिए, वो जर्नी, वो सफ़र कैसा रहा? बहुत प्यारा था। मैंने बनारस से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और मुंबई से मास्टर्स, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना था, और साथ में यूट्यूब भी मेरा उस टाइम पे अभी ग्रो होना शुरू हुआ था। लॉकडाउन में कहे तो उसे सजना सॉन्ग वायरल हुआ था, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी कि कुछ ये ऐसा सॉन्ग वायरल हुआ था जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक होता है ना, आपने ट्रेंडिंग सॉन्ग बनाया वो वायरल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कहे तो उसे सजना इतना पुराना गाना और इतना, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मुझे मोटिवेशन आया कि अगर मैं ऐसे ही कुछ पुराने नए गाने मिला के रिक्रिएशन करूँ तो शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत प्यारा था। मुंबई में ही मैंने रिक्रिएशन शुरू किए, भक्ति चैनल शुरू किया, और अभी भी चल रहा है काम। बॉलीवुड में जाने का कोई सोचा है आपने, कुछ प्लान है? नहीं, ऐसा प्लान नहीं है। अगर मुझे ऑफ़र मिलता है, चांस मिलता है, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इट विल बी माई प्लेजर। और बहुत ही मतलब ऐसे नसीब वाले लोग होते हैं जिनको काम मिलता है बॉलीवुड में, लेकिन अभी तक प्लान मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम है, ऑलरेडी तीनों चैनल्स इतना अच्छा कर रहे हैं, टचवुड, तो मेरा ध्यान अभी फ़िलहाल उस पर है। तो कौन सा भजन है जो आपका फेवरेट है, एक बार गा दें हमारे ऑडियंस के लिए? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मना।
जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। वेल थैंक यू कि आपने ये सुनाया, क्योंकि इस गाने से एक्चुअली सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।